Hey guys, hope you are doing fine. I'm Henel Shine. Welcome back to my channel. So I had a thought on this from long. I was thinking ki main kuch daily vlog start karu, not Instagram pe, YouTube pe. और मेरे पास बहुत बहुत से आइडियाज़ थे और मैंने बहुत से शूट भी किए हैं, लेकिन मैंने कभी एडिट ही नहीं किया वो सब. सो अभी मुझे लग रहा है कि एडिट करना चाहिए, जो स्पेयर टाइम है उसको एडिट करके डेली व्लॉग्स डालने चाहिए कि मैं डेली क्या करता हूँ. और जस्ट एंड अप, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ या मैं वर्क भी कर रहा हूँ, सो इट डजंट मैटर. बट मुझे शूट करना है और मुझे एडिट करना है, बस मुझे यूट्यूब पे अभी एक्टिव रहना है. और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉग तो मे बी मैं कुछ एक्टिविटी भी स्टार्ट कर लूँ उसके लिए. और मैं बहुत कॉन्शियस भी हो रहा हूँ, लग सबके सामने ऐसे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, सो मुझे वो भी निकालना है, वो डर भी निकालना है, क्योंकि जब सब सामने आ जाते हैं ना तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ और पता नहीं बहुत धीरे से बात करता हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. सो अभी नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस अभी प्रॉपर शूट करना है. सिनेमैटिक भी आएगा, सब आएगा और यस डेली व्लॉग्स भी आएंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. हाँ, ये डेली व्लॉग क्या ही मतलब स्टार्ट कर दिया है मैंने आज से. अभी कुछ पता नहीं क्या मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आज मैं कहीं पे तो जाने वाला हूँ ड्राइव पे. सो शायद छोटा तो छोटा, लेकिन आएगा व्लॉग तो ज़रूर आएगा. और सब्सक्राइब करना मत भूलना. पता है अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ऐसे दिक्कत भी नहीं है कोई. और यहाँ हाँ, मैं GoPro में इसीलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है सोनी A7 Mark III और मेरे पास लेंस भी है 28-75 mm टैमरॉन. बट उसमें ना जो वाइड दिखना चाहिए ना, मतलब कि ये वाइड दिख रहा है अभी, हाँ उतना नहीं दिख रहा है. मुझे अपग्रेड करना है वो 1875 और समथिंग कोई लेंस है, 1870 और 1875 पता नहीं, टैमरॉन का ही है. सो मुझे वो अपग्रेड करना है, लेकिन नॉट नाउ, अभी के लिए नहीं, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया अभी. सो वो बाद में करेंगे, लेकिन तब तक तो मैं GoPro में शूट करूँगा. और GoPro में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हो. व्लॉग के लिए तो अभी 4K 30 भी, 4K 24 भी चलता है. और मेन और क्या है, उसमें 5.3K भी शूट कर सकते हैं GoPro में. सो मैं जब क्वालिटी डालूँगा तो मैं 4K तक रिजोल्यूशन पे अपलोड करूँगा. सो आप देखना कि 4K में कैसा दिख रहा है. सच में बहुत बहुत मतलब बहुत ही भाप रिजल्ट है इसका. सो मुझे तो लगता है कि, और ईजी भी है कि वेट भी नहीं है ज़्यादा. माइक मुझे अपग्रेड, माइक है मेरे पास लेकिन मुझे एक अपग्रेड भी करना है. सो माइक तो कनेक्ट कर लेंगे. अभी GoPro का जो डिफ़ॉल्ट है, जो रिकॉर्ड कर रहा है वो साउंड वो है, लेकिन उससे मज़ा नहीं आएगा, वो क्रिस्प नहीं मिलेगा उसमें. सो अपने को क्रिस्प चाहिए और वॉइस अच्छा होना चाहिए, एल्स तुम लोग सब भाग जाओगे चालू व्लॉग में. बस यही है और तो कुछ नहीं, एडिटिंग और सब है. सो पहले मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आपको. ओके, सो ये मैं हूँ. ये बालकनी है, यहाँ से यहाँ पे मैं वॉक करता हूँ. ये सब है, ये मेरा टेबल पुराना हो चुका है, सही से ऊपर
ये बेड शीट है, लेकिन अभी चेंज करना है, मैंने देख के रखा है, लेकिन अभी ऑर्डर भी किया हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं कब आएगा। सो हाय एंड हाँ, मैं ऐसा ही घूमता हूँ पूरे दिन, क्योंकि कंफर्टेबल तो यही है घर में। अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर शादी में भी ऐसा कुछ हो कि सब पहन के आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब में भी। ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि ड्राइव पे निकलते हैं, आज मुझे जाना है, उसके पहले वर्क है मेरा, सो पहले वो ख़त्म कर लेते हैं और फिर बाद में एक आध दो घंटे बाद कितने बजे है? अभी 2:15 हुआ है, सो देखते हैं 3:30 या 4 बजे निकलते हैं ड्राइव पे। तब तक तो ये लैपटॉप कवर है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरी दीदी ने बनाया था खुद, और कोई क्रोशेट मटेरियल है या पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं, सो उसने मुझे गिफ्ट दिया, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपको ऑर्डर से बना देगी वो, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है अभी, सुरेंद्र ठीक है कोई बात नहीं, काम स्टार्ट कर देते हैं। सो दोज हु आस्किंग कि तू क्या वर्क करता है, सो मैं एडिटिंग मेरा मेन नहीं है, उसके अलावा भी मैं वर्क करता हूँ, लेकिन टाइम आने पर मैं बताऊँगा कि मैं किसके साथ वर्क करता हूँ और क्या करता हूँ। सो अभी के लिए तो एडिटिंग ही रखो। Yeah. So let's go on a drive. पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन जा रहा हूँ, और पता नहीं कुछ पता नहीं है लेकिन जाना है, बिकॉज समटाइम्स जोनिंग आउट फ्रॉम वर्क एंड जोनिंग इनटू समथिंग एल्स हेल्प्स यू फाइंड बेटर सॉल्यूशन, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, सो यू शुड डू इट, जो मन को अच्छा लगे वो करो, और तो कुछ है नहीं बोलने को। ओके कम ऑन, प्लेस मेरे घर से 45 किलोमीटर दूर है, 45 भी नहीं 40 आई थिंक।
આગળ જવું, હા પણ મને જવું છે આગળ. સો હા સો ધીસ પ્લેસ ઇઝ fully covered with mountains as you can see, and it's around 40 km from my home. Pata nahi ye samajh nahi aa raha hai mujhe, lekin bahut ganda kar dete hai log, as you can see from everything is surrounded with nature here, and it feels really good. That's it for today guys. बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे वॉक करने भी बैठना है. मैं सोच रहा हूँ कि तमिलनाडु जो मैं गया था वहाँ मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, अभी भी कुछ है जो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है ऐसा मुझे लग रहा है. सो मैं पूरा डेटा पहले से लास्ट तक मैं देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, इसी पे वर्क कर रहा हूँ. ये मेरा प्रोजेक्ट है और साथ में ये सब भी वर्क है जो ख़त्म करना है मुझे, ये भी इम्पोर्टेंट है. सो यस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है मेरे साथ. एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माई नोटिफिकेशन. Yes, that's it. So, till then, take care. Bye-bye.